दोबारा बाइक का, फिर से फ्यूल पंप ख़राब हो गया इसका यार। तो देखो आपके सामने फुल थ्रॉटल दे रखा है थर्ड गियर में, ये देखो झटके ले रही है। तो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब? तो आई होप आप ठीक होंगे। तो गाइस मैं महेश अच्छा 76 राइडर, हरियाणा का देसी छोरा। तो गाइस मैं आज आपको बात बताता हूँ यार, मेरी बाइक की यार इसने मैं परेशान कर रखा हूँ बहुत ज़्यादा। जो मेरी बाइक है ना इसने मैं हकीकत में इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि कोई हद की बात नहीं है भाई। मैं यामा से इतना प्यार करता था कि मेरे खुद मतलब कि एहसास था कि यार यामा की बाइक बढ़िया यार, इसका आज मेरे को फिर इसका जो फ्यूल पंप है वो फिर से ख़राब हो गया। एंड अभी थोड़े दिन पहले चेंज कराया था, तो अब एजेंसी में गया तो उनकी सर्विस इतनी बेकार है यार। वो बोले कि भाई अभी है ही नहीं, तो जब आ जाएगा हम आपको बता देंगे, तब आप ले जाना। तो एजेंसी वालों ने कर दिया साफ मना, मेरे को बोल दिया कि भैया अभी नहीं है, 5 से 6 दिन लगेंगे, इतने आप बाइक को ऐसे ही चलाओ या फिर अपने घर पे मतलब जो भी है खड़ी कर दो इसको। मैं कहा यार हद की बात है, बिल्कुल बोला कहीं भी नहीं है भाई, मैंने ऑर्डर करके मंगा रखे। पता नहीं यार अब मेरे को कि क्या है उनके पास या नहीं है, बट यार जो परेशानी आ रही है ना वो बहुत ज़्यादा आ रही है बाइक में यार। अभी थोड़े दिन पहले मैंने चेंज कराया था, ज़्यादा दिन नहीं हुए, 5 से 6 महीने होंगे मुश्किल से। तो अभी चेंज करवाया था एंड इसका फिर से वही हाल है यार, दोबारा बाइक का फिर से फ्यूल पंप ख़राब हो गया इसका यार। तो देखो आपके सामने फुल थ्रॉटल दे रखा है थर्ड गियर में, ये देखो झटके ले रही है बहुत गंदी तरह से। तो इसने कर रखा है बहुत ज़्यादा परेशान। तो यार R15 MA पर्सनली दिक्कत है या फिर कैसी दिक्कत है मेरे को तो पता नहीं। अगर आपके साथ किसी साथ ऐसा हो रहा है, अगर किसी को पता हो तो गाइस सजेस्ट ज़रूर करना कि मेरे को किस वजह से हो रहा है। अगर मैं इसको ज़्यादा भगाता हूँ तब हो रहा है, एग्जॉस्ट की वजह से हो रहा है, बट पहले भी तो इसमें एग्जॉस्ट नहीं था, तब भी ये सेम दिक्कत। तो उसकी 4 सर्विस भी नहीं हुई थी तब की बात है ये तो। एंड अब इसकी मैंने 6 सर्विस भी करवा ली है, तो उसमें भी काफ़ी खर्चा हो गया था। सर्विस में भी यार इसकी रेस वायर थी वो भी चेंज करवानी पड़ी। तो बाकी वो वीडियो है उसमें पूरा है वो अभी से यार, तो उसमें आप देख लेना जाके। तो अभी जो मेरे को जेन्युइन को इसके बारे में पता हो ना, तो भाई वो मेरे को एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई आपके साथ ये दिक्कत हो रही है एंड इस वजह से आपका फ्यूल पंप बार बार ख़राब हो रहा है। क्योंकि यार अभी से सिर्फ 10 महीने हुए हैं मैंने बाइक को लिए हुए, 11 महीना चल रहा है इसको, तो और दूसरी बार इसका फ्यूल पंप चेंज हो रहा है। रेस वायर और टायर इसका पीछे वाला और चैन सेट, ये मतलब इसमें सब चेंज हो गया अब तक। तो मैंने ये उम्मीद की नहीं थी कि ऐसा भी होगा यार। तो यार सिंपल सी बात है, क्वालिटी इतनी घटिया दे रखी है ना आपकी बार इन्होंने या मारा ने, किसी कोई वो बात नहीं है, जगह जगह से इसका कलर फेड हो रहा है। ये देखो यहाँ से दूसरी बार मैंने इस बार को चेंज करवाया, यहाँ से भी इसका कलर उतर गया एंड आगे शीशे पे से भी कलर उतर गया। मतलब क्वालिटी के मामले में अभी से यार ठीक नहीं है यार, बिल्कुल भी वर्जन ठीक नहीं है। एंड जो इसका पीछे का पकड़ने का टेल कवर है एंड वो भी टूटा पड़ा है यार, वो भी टूट जाता है प्लास्टिक। कितनी घटिया क्वालिटी है जो आपके बारे में MI प्रोवाइड कर रहा है। अरे यार कोई तो इनको करो सही तो करो, इसको कुछ तो चेंज करो। बाइक की लुक काफ़ी खाली अच्छी बनाई है, और जो इसके बात करूँ ना भाई, तो हकीकत में इस बाइक ने मेरे को रखा है दुखी। मैं इस बाइक से हकीकत में दुखी हो चुका हूँ बिल्कुल अब पूरी तरह से। मैंने बड़ा खुश होकर इस बाइक को लिया था, बट अब जो यार ये कर रहा हो रहा है ना मेरे साथ, मतलब ये ठीक नहीं हो रहा। एड एजेंसी वाले भाई हाथ ठा लेते हैं बिल्कुल कि भाई नहीं, अब हमारे पास ये चीज़ नहीं है एंड आप इतने दिन बाद आना। अरे नहीं है, इसमें हमारा फॉल्ट थोड़ी ना है, तुम्हारा फॉल्ट है, क्यों नहीं है? सर्विस भी मतलब ऐसी घटिया और क्वालिटी भी घटिया, हर चीज़ घटिया, फिर से कस्टमर। तेरे से अच्छा कोई अच्छी बाइक ले लें। तो भाई इसने तो मेरे को आज सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा निराश कर दिया है। एंड अब देखते हैं ऐसा करवाते हैं चेंज, अगर होता है तो 5-6 दिन बाद बुलाए उन्होंने, तो इसी चक्कर में शायद अगर मेरी राइड वगैरह भी छूट जाए, बट नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं भाई के साथ चला जाऊंगा, स्मित भाई के साथ ही बाइक पे, पर राइड मैं नहीं छोड़ूंगा यार, राइड कंटिन्यू रहेगी मेरी, राइड नहीं छोड़ सकता यार। तो भाई अब मैं जा रहा हूँ गाइस फिलहाल घर पे यार। तो आपने अगर ये देखा है ना वीडियो, अगर किसी को पता हो कि यार इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, तो भाई मेरे को बताना ज़रूर कमेंट करके, क्योंकि यार मैं सच बताऊँ ना बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका हूँ इस चीज़ से कि यार मेरी कोई गलती की वजह से बार बार यही हो रहा हो, तो मैं उस गलती को सुधारूँ अपनी को। अगर मैं अगर अभी आपके सामने इसको थ्रॉटल दूंगा तब देखना। एंड भाई कोई नहीं आ रहा ना आगे से, ये अभी ट्रक वाले ने ओवरटेक कर लिया।
देखो, दूसरे में देखो पटाखे मार रही है, मतलब एकदम से हवा छोड़ देती है भाई, प्रेशर से लूज हो जाता है। देखो दूसरे गियर में तो भाई बताना यार मेरे को कमेंट करके जरूर यार कि आपको कैसा फील हो रहा है इस बाइक के साथ, एंड कैसी परफॉर्मेंस मिल रही है, एंड एवरेज क्या दे रही है भाई। नहीं है एवरेज दे रही, नहीं कुछ और दे रही, मतलब कि हर चीज़ में अभी इसने मेरे को जस्टिफाई नहीं कर पा रही यार ये। तो भाई बता देना अगर मेरे कमेंट में, अगर आप देख रहे हो तो यार किसको पता हो तो R15M लवर्स बहुत है, अगर नहीं पता किसी के पास R15M है दोस्त के पास है तो यार उसे पूछ के, पर मेरे पास कमेंट करके ज़रूर बताना इसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। यार मैं तो देखो अभी से न्यू हूँ, इतना मेरे को पता नहीं है, एंड जो भी कुछ सीख रहा हूँ आपके साथ ही सीख रहा हूँ। तो गाइस ठीक है, अब चलते हैं यार, मैं घर पे जा रहा हूँ क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है, तो थोड़ा जल्दी पहुँच। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एंड चैनल पे यार बने रहे यार, सपोर्ट दिखाओ अपना पूरा, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी। तो गाइस तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।